आप एक बार बर्तन लोड कर दीजिए, वॉश प्रोग्राम में डाल दीजिए और तब तक आप बहुत सारे अपने काम निपटा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मीडिया के डिशवॉशर का फुल रिव्यू, क्योंकि इस डिशवॉशर को यूज करते हुए मुझे हो गए पूरे एक साल। तो मैं आपके साथ आज पूरा रिव्यू शेयर करूंगी कि मुझे इस डिशवॉशर में एक साल में मुझे क्या परेशानी आई, मुझे कैसा लगा, ये आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ, एज अ बायर मैं एक साल में क्या क्या मैंने फेस किया, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो ये आता है मीडिया की तरफ से 13 प्लेसेस फ्री स्टैंडिंग डिशवॉशर, जो कि आता है 7 वॉश प्रोग्राम के साथ। इसके जो वॉश प्रोग्राम आते हैं वो इंटेंसिव, इको, ग्लास, 90 मिनट्स, रैबिट, सेल्फ क्लीनिंग एंड प्री वॉश। तो मेरे जो मशीन का कलर है वो है सिल्वर। तो इसमें 7 वॉश प्रोग्राम आते हैं, जिसमें से मुझे सबसे अच्छा लगता है इसका सेल्फ क्लीनिंग, क्योंकि बहुत से कंपनीज के डिशवॉशर में मैंने देखा है कि सेल्फ क्लीनिंग का प्रोग्राम नहीं होता है। तो वो मोस्टली प्रॉब्लम आती है कि 15 मिनट वॉश या रैपिड में आपको चलाना पड़ता है। इसमें जो आपको कंट्रोल दिए जाते हैं वो सारे बटन टाइप कंट्रोल दिए जाते हैं। बहुत सी कंपनी के डिशवॉशर में पूरा फुल डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसमें आप टच से ऑपरेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ बर्तन धोने के लिए टच की क्या जरूरत है, तो मुझे लगता है कि बटन से भी सारे वो काम हो जाते हैं जितना हमको जो वॉश प्रोग्राम में डालना है वो वॉश प्रोग्राम में बटन्स में काम हो जाते हैं। और ये डिशवॉशर लेने का रीजन ये था क्योंकि हम 50-55 ऐसा कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। तो हमको उस बजट में, जो बजट था हमारा अंडर 30, हम चाहते थे कि हमको बेस्ट डिशवॉशर मिले, तो उसके लिए हमको ये वाला डिशवॉशर बेस्ट लगा था उस टाइम पे। तो हमने एक साल पहले इसको परचेस किए थे और उस टाइम पे मुझे पड़ा था ये 25,000 का, लास्ट ईयर मार्च में। और अभी तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, मैंने फ्लिपकार्ट पे चेक किया है तो वहाँ पे अभी 20,000 में ये अवेलेबल है, तो अभी काफ़ी अच्छी डील है इसमें। उस टाइम पे तो मुझे एक्स्ट्रा 5,000 देने पड़े थे इसके। ये आपका पावर का बटन है, ये प्रोग्राम्स का बटन है, ये जो है आपको अगर टाइम डिले करना है उसका बटन है, ये फुल लोड हाफ लोड का बटन है, और ये आपका प्ले बटन है जिससे आप स्टार्ट पॉज कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं आपको, जिसमें आपको दिखाता है कि अगर पानी का कनेक्शन में प्रॉब्लम है तो ये जलेगा, सॉल्ट का जलेगा, रिनसेट का जलेगा। जैसे अभी यहाँ पे प्रोग्राम 2 में सेट हुआ है, तो अगर आपको प्रोग्राम चेंज करना है तो आप यहाँ से पी वाले बटन को दबा के प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। और टोटल ये 7 वॉश प्रोग्राम के साथ आता है, और ये है इसका पावर बटन। चलिए मैं अब इसको खोल के दिखाती हूँ। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे सारे वॉश प्रोग्राम आपको दिए हुए हैं। जैसे P1 में दिया है इंटेंसिव 60 डिग्री पे ढोएगा, 170 मिनट्स लगेंगे। P2 में ढोएगा इको में 45 डिग्री सेल्सियस पे, 225 मिनट लगेंगे। तो इसमें दिया भी है कि आपको किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, किस चीज़ के लिए, मतलब किस टाइप के बर्तनों के लिए कौन सा प्रोग्राम यूज़ करना है। अगर आप P3 में धोते हैं तो ये ग्लास के लिए है और 40 डिग्री पे धोएगा। P4 पे करेंगे तो 90 मिनट धोएगा 65 डिग्री पे। अगर आप P5 करते हैं तो 45 डिग्री पे धोएगा 30 मिनट। P6 पे करते हैं तो सेल्फ क्लीनिंग है, 60 डिग्री सेल्सियस पे ये सेल्फ क्लीनिंग करता है 100 मिनट तक। और P7 है प्री वॉश, जो 15 मिनट करता है। शुरू में जब मैं ये मशीन खरीदी थी तो मैं ये सारे प्रोग्राम्स यहाँ से देख देख के सेट करती थी, पर अब मुझे ये सारे प्रोग्राम याद हो गए हैं और मैं आराम से अब इसको मैनेज कर सकती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ अंदर से मेरी डिशवॉशर का सारे ऑप्शंस, सारी सेटिंग्स, सारे फीचर्स। तो देखिए यहाँ पे डलता है टिकिया, मतलब जो टैबलेट्स आती हैं वो, अदरवाइज आप इसमें डिटर्जेंट भी यूज़ कर सकते हैं जो मशीन के लिए स्पेसिफिकली आता है। इसमें डलता है रिनसेट, तो ये जब ये डिशवॉशर चालू होती है तो ये ऑटोमेटिक खुल के जो भी डिटर्जेंट है, टैबलेट है, वो चली जाती है। उसके बाद ये आता है आपका नीचे वाला रैक, ये आपका फुलरी, ये आपका रिमूव हो जाता है ये रैक। तो अगर आप चाहें तो आप इसको रिमूव करके भी सारे बर्तन और अपलोड कर सकते हैं। तो ये इसके रैक्स रिमूवेबल हैं, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाता है कि अगर आपको बड़े बर्तन भी डालने हैं तो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पे डाला जाता है सॉल्ट, और यहाँ से सारा पानी, जो गंदा पानी वो बाहर जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका गंदा हो गया है तो आप इसको चेक करके वॉश कर सकते हैं। मैं हफ्ते में एक बार इसको क्लीन करती हूँ। तो देखिए ये मेरे कल के बर्तन थे जो मैंने 30 मिनट धोए थे, और यहाँ पे मैं अपने जो भी स्पून्स होते हैं छोटे वाले वो सब धोती हूँ यहाँ पे।
देखिए यहाँ पे कल मैंने बर्तन डाले थे, कितने अच्छे तरीके से साफ हो गए, कितने अच्छे से शाइन कर रहे हैं सारे बर्तन, आप देख सकते हैं, ग्लास के भी, स्टील। और खर्चे की बात करें तो खर्चा ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है। लोगों को लगता है, जैसे मैं भी पहले लेने के पहले सोचती थी कि डिशवॉशर आएगा तो कहीं ज़्यादा खर्चा तो नहीं बढ़ेगा, तो फ्रेंड्स अगर आपके यहाँ कोई मेड आती है बर्तन साफ करने के लिए तो उतना ही खर्चा समझ लीजिए कि जितना खर्चा उसको है उतना ही खर्चा आपको है। लेकिन जो जो बर्तन आपको एकदम सूखे और एकदम चमकदार और गर्म पानी से धुले हुए जो बर्तन आपको मिलेंगे, वो मज़ा आपको हाथ से धुले हुए बर्तन में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जो जो सफाई ये करता है ना, वो सफाई हाथ से कोई नहीं कर सकता, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। और जो टैबलेट मैं यूज़ करती हूँ वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है, तो ऐसा सच नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं और वो भी काफ़ी अच्छे लंबे टाइम तक मुझे चलता है। और ये भी है एक कटलरी का, जिसमें कि आप अपने अलग अलग टाइप्स के चाकू स्पून धो सकते हैं, बट ये मैं तभी लगाती हूँ जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ मैं इस तरीके से सेट करके वॉश कर लेती हूँ। तो चलिए अब फाइनली मेरे एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं कि मैं इस डिशवॉशर से खुश हूँ या नहीं हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। तो मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ इस डिशवॉशर से और मुझे ये बहुत पसंद आता है। मेरे आधे काम इसने बहुत आसान कर दिया है, अब बर्तन धोने की पूरी झंझट ही मेरी खत्म हो गई है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। आप एक बार बर्तन लोड कर दीजिए, वॉश प्रोग्राम में डाल दीजिए और तब तक आप बहुत सारे अपने काम निपटा सकते हैं। और ऐसा होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि कई बार हम 1.5 घंटे की सेटिंग लगाते हैं, 1.5 घंटे का वॉश प्रोग्राम हम सेट करते हैं, तो बोलते हैं 1.5 घंटे में तो हम बहुत बर्तन धो लेंगे। लेकिन आप जो 1.5 घंटे में जितने बर्तन धोएंगे और अगर ये इतने बर्तन धो रहा है जितना इसमें लोड हो रहा है, तो उसमें जो क्वालिटी निकलेगी धोने के बाद, जो बर्तन चमकेंगे, वो आप हाथ से बिल्कुल, मेरी गारंटी है कि आप नहीं चमका सकते। तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली बोलना चाहूंगी कि अगर आप कोई डिशवॉशर लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ये वाला डिशवॉशर खरीद सकते हैं, बिंदास ले सकते हैं। एक साल में एज सच मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई भी ऐसा रिपेयरिंग इशू नहीं आया है कि मुझे पावर में प्रॉब्लम है या कोई पार्ट्स में प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं। अब तक ये बढ़िया एक नंबर चल रही है, बिल्कुल कोई 1% भी इशू इसमें आया नहीं है। बढ़िया, हमको पूरे साल भर इसने बहुत अच्छे से बर्तन साफ करके दिए हैं, तो हम फुल्ली सेटिस्फाइड है इस मशीन से। तो डेफिनेटली अगर आपके घर में 3 से 4 मेंबर्स हैं तो आप ये 13 प्लेसेस वाला डिशवॉशर परचेस कर सकते हैं और ये सफिशिएंट है। इसमें 8 प्लेसेस भी आता है, और अगर आपके घर में 1 या 2 लोग ही हैं तो आप 8 प्लेसेस वाला खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में 3-4 लोग हैं तो उसके लिए ये 13 प्लेसेस वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तो चलिए अभी मैं आपको ये टैबलेट्स के बारे में बता देती हूँ। तो ये वाला यूज़ करती हूँ मैं, क्रिस्टल अल्ट्रा 5-in-1, जिसमें एक पैकेट में आते हैं 100 टैबलेट्स। तो ये मुझे, मतलब मैं पूरे एक साल से यही वाला यूज़ कर रही हूँ। स्टार्टिंग में इसके साथ आया था टैबलेट, उसके बाद फिर मैं तब से यही वाला यूज़ कर रही हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसमें रिनसेट सॉल्ट सारी चीज़ें ऐड है, तो एज सच उसमें कुछ और ज़्यादा मेरे को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ मुझे अलग से रिनसेट डालने की या फिर अलग से सॉल्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ का पानी बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इतना मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती सॉल्ट डालने की। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए और ऐसे ही मेरे सारे वीडियोस देखते रहिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।